इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब योगी सरकार के पास चुनाव कराने के लिए दो रास्ते बचे हैं और अब चुनाव लगभग जून माह में होने की पूरी संभावना है। तो दोनों रास्ते हम आपको बताएंगे किस माध्यम से अब चुनाव होंगे और आरक्षण का क्या होगा, तो बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की खबरें सबसे पहले और सटीक मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों एक बार फिर नमस्कार। तो पंचायत चुनाव को लेकर यूपी की योगी सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। समय से पंचायत चुनाव कराना सरकार के लिए मुसीबत का सबक बनता जा रहा है। हाईकोर्ट ने वैसे तो सरकार को कहा कि 25 मई तक चुनाव करा रहे हैं, लेकिन आरक्षण के नियमों में बदलाव के आदेश के कारण समस्या गहराई गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए आधार वर्ष 1995 को ना मानकर 2015 को माना जाए और सरकार आरक्षण कर चुकी, ऐसे में अब दोबारा आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने में फिर से एक महीने का समय लगेगा। जाहिर है कि हाईकोर्ट द्वारा किए गए 25 मई की समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न नहीं होते दिखाई दे रहे, तो फिर सवाल उठता है कि राज्य सरकार के पास अब क्या रास्ते बचे हैं। पंचायत राज के एक अधिकारी का नाम न छापने की शर्त पर इसके दो रास्ते बताए गए हैं। पहला रास्ता ये है कि हाईकोर्ट के इस आदेश को हायर बेंच में सरकार चैलेंज कर, यानी 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश को सरकार चुनौती दे और जिन नियमों के तहत आरक्षण किया गया उसे बरकरार रखने की अपील करे। यदि इस मामले में सरकार को राहत मिल जाती है तब तो बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी और समय पर चुनाव हो सकते हैं। अब दूसरा रास्ता ये सरकार के पास बचा है, सरकार कोर्ट में इस बात की अपील कर सकते कि पंचायत चुनाव कराने की जो समय सीमा अदालत ने तय की है उसे बढ़ाए जाए। इतने कम समय में सारी की प्रक्रिया को पूरा करते हुए चुनाव नहीं कराया जा सकता। इस तरह के आधार पर सरकार हाईकोर्ट से समय सीमा को थोड़ा बढ़ाने की अपील कर सकती है। यदि कोर्ट इससे संतुष्ट हो जाए तो सरकार को समय बढ़ाने की इजाज़त दे तो सरकार को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। बता दें कि सरकार यदि जून तक चुनाव करा ले तो उसके सामने कोई भी संवैधानिक संकट खड़ा नहीं होगा और पंचायतों में जिन अफसरों को प्रशासक बनाया गया उनका 6 महीना जून में पूरा हो रहा है, ऐसे में जून तक यदि सरकार चुनाव कराए तब भी उनके सामने कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब देखना ही है कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में अगला कदम क्या होता है। बता दें कि पंचायत चुनाव के बीच में यूपी बोर्ड की परीक्षा भी करानी है और ये भी सरकार के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं है और बोर्ड परीक्षा में बड़े पैमाने पर उन्हीं लोगों की सेवाएं ली जाती है जो चुनाव में अपनी सेवाएं देते हैं। तो अब देखना होगा कि चुनाव जून में होते हैं या फिर मई में।